हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों टू अनदर ऑस्ट्रेलिया के विजिटर वीजा और एक न्यूजीलैंड का विजिटर वीजा जो कि हमारा कल ही अप्रूव होकर आया है। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। तो सबसे पहले आप दे सकते हैं टू अनदर ऑस्ट्रेलिया के विजिटर वीजा और ये अनदर कह सकते हैं न्यूजीलैंड का विजिटर वीजा। तो ये जो तीनों वीजे हैं हमारे कह सकते हैं अलग अलग कंट्री से अप्रूव होकर आए हैं। तो पहले हम एक वीजे की बात करें और सबसे जो फर्स्ट वीजा है इनका नाम है हरप्रीत सिंह जो कि यूके से हैं। ये यूके में स्टूडेंट वीजा पर रह रहे हैं, तो ये मैक्सिमम 3 मंथ स्टडी कर सकती हैं इस वीजे पर ऑस्ट्रेलिया में जाकर। और ये मल्टीप्लाई एंट्री वीजा है, तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं इस वीजे को ये ऑस्ट्रेलिया में जाकर स्टडी वीजा में कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। तो इनका वीजा जो 29 मार्च 2023 को कह सकती है ग्रांट हुआ है और 29 मार्च 2024 तक वैलिड है, यानी कि एक साल का मल्टीप्लाई एंट्री वीजा है जिसको आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर स्टडी वीजा में कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। और ये जो अनदर वीजा है ये आप दे सकती हैं सिंगापुर से है, सिंगापुर टू ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी सेम वीजा है। ये है मनप्रीत कौर और ये भी सिंगापुर में स्टूडेंट बेस पर रह रहे हैं। इनका वीजा भी जो 29 मार्च 2023 को अप्रूव हुआ है और ये 29 मार्च 2024 तक वैलिड है, तो ये भी मल्टीप्लाई एंट्री वीजा है, तो इस वीजे को भी ये ऑस्ट्रेलिया में जाकर स्टडी वीजा में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और ये जो थर्ड वीजा है ये न्यूजीलैंड का विजिटर वीजा है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इन एप्लीकेंट का नाम है गगनप्रीत कौर और ये भी ये कह सकते हैं गर्ल्स हैं जो स्टूडेंट बेस पर कह सकते हैं जर्मनी में रह रही हैं। इनका जो न्यूजीलैंड का वीजा अप्रूव होकर आया, तो इनका वीजा कह सकते हैं एक साल का वैलिड है जो कि स्टार्ट हो रहा है 29 मार्च 2023 से और ये वैलिड है 2024 तक 29 मार्च तक, तो ये भी एक साल का कह सकते हैं विजिटर वीजा है। तो जैसा कि आपने तीनों वीजा स्क्रीन पर देखे, जो तीनों वीजा कह सकते हैं स्टूडेंट्स थे जो आज के टाइम में जो यूके कनाडा और सिंगापुर मलेशिया से और साइप्रस से इन कंट्रियों से जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए मूव होना चाहते हैं, वहाँ का मल्टीप्लाई एंट्री वीजा अप्लाई करना चाहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में जाकर उसे स्टडी वीजा में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और ये जो तीनों वीजे हैं ये कह सकते हैं बिल्कुल इनके पास ओनली वहाँ की जो स्टूडेंट बेस पर रह रहे थे वहाँ का जो स्टूडेंट वीजा था और इन्होंने अपने कॉलेज से एक लीव लेटर हॉलीडे लेटर लिया और इनकी जो बैंक बैलेंस बैंक स्टेटमेंट जो काफी अच्छी थी जिसकी वजह से इनके जो तीनों के जो वीजे अप्रूव होकर आए हैं। अगर आप भी आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का विजिटर वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। अगर आपने आज अप्लाई नहीं किया ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का वीजा, आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर हम कुछ नहीं कह सकते इसके जो रिजल्ट है क्या होने वाले हैं। अगर आप किसी भी शंघन कंट्रीज में या यूके में या सिंगापुर मलेशिया में या फिर आप कैनेडा से हैं, तो अगर आप आज के टाइम में ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई करते हैं तो इनका जो कह सकते हैं अप्रूवल रेट है वो काफी अच्छा है। एक बात मैं आपको और बता दूं भी, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए जाना चाहते हैं अगर आप उससे पहले न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई करते हैं तो सबसे आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आज के टाइम में जो न्यूजीलैंड का जो अप्रूवल रेट है वो 90% है। अगर आपको न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट आपको वीजा प्रोवाइड कर देती है आफ्टर अगर आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करते हैं तो आपके जो मिलने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है अगर आज के टाइम में अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं या न्यूजीलैंड में मूव होना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। अगर आप किसी भी कंट्री में स्टूडेंट बेस पर रह रहे हैं तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको आने वाले टाइम में किसी भी कंट्री के वीजा के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बाय बाय।